हाय गाइज, दिस इज सुधांशु मोहंती एंड यू आर वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज कीप सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच माय वीडियो एंड अगर हो सकता है तो आप शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो भाई बेसिकली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आराम से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो गाइज आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह कि आज का टॉपिक यही है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट है कि भाई आज ए फ्रेशर हमारे पास कोई पावर होता है या फिर कोई हक होता है ताकि हम डिसाइड कर सकें इसी वेसल पे जाएं, इस टाइप के वेसल पे जाएं, इतना जीआरटी के वेसल पे जाएं, इतना जीआरटी के शिप पे जाएं, इस फ्लैग के शिप पे जाएं, ऐसा वगैरह वगैरह वगैरह। फ्लैग का शिप तो वो तो आपको मालूम होगा क्योंकि आप बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना जीआरटी का, इतना बड़ा, इतना छोटा, कार्गो हो, ऑयल टैंकर हो, क्या नहीं, ये जो आपके आज फ्रेशर आपके पास वो चीज़ होता है कि नहीं, भाई बिल्कुल नहीं होता है आपके पास। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नहीं होता है आपके पास वो पावर, ना ही वो पावर है कि आप वो शिप चूज करके आप जाओ आज ट्रेनी बन के, आप उसी शिप पे जाना चाहते हो, उसी टाइप के शिप पे जाना चाहते हो तो आप जाओ, या फिर हमको भाई इतना सैलरी चाहिए, इतने सैलरी से हम कम पे नहीं जा सकते हैं, भाई वैसा कुछ नहीं होता है आपके हाथ में, वैसा कुछ सैलरी नहीं होता है, वो पावर वगैरह कुछ भी नहीं होता है वो आपके हाथ में, सॉरी सैलरी बोल दिया, कुछ भी वो वगैरह पावर नहीं होता है, या फिर ना ही आपका पसंद वहाँ पर चलता है। बेसिकली जो भी होता है आज ए फ्रेशर जो आपको रिक्रूट करता है, वो जो कि रिक्रूट करते हैं आपको, उनके हाथ में होते हैं कि वो आपको कौन सा शिप देगा, कौन सा टाइप का शिप देगा, शिप का जीआरटी कितना होगा, क्या चीज़ नहीं, सब उनके हाथ में है, आपके हाथ में आज ए फ्रेशर कुछ नहीं है। सो आज ए फ्रेशर आप कभी भी डिमांड मत करिए कि मेरे को इसी टाइप का, अगर मेरे को ऑयल टैंकर चाहिए तो मेरे को ऑयल टैंकर पर ही जाना है, कार्गो मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, वैसा मत करना। वैसा करना तो बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा आपको बाद में लाइफ में, क्योंकि आज ए फ्रेशर उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसको एक्सपीरियंस मिले। पहली चीज़, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस होता है ऑनशोर पे, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस होता है, तो आज ए फ्रेशर का पहला ये चीज़ है, पहला प्रायोरिटी यही होगा कि भाई उसको जो भी हो एक्सपीरियंस मिले, सी एक्सपीरियंस उसको मिल जाए ताकि आगे बढ़कर, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा 7,000 या फिर 10,000 जीआरटी का शिप पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अपना ट्रेनिंग पीरियड कर रहे हो, 9 महीना हो, 12 महीना हो, 18 महीना हो, 6 महीना हो, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो दैट मीन्स आपका एक एक्सपीरियंस बन गया उधर, आज ए फ्रेशर आपका एक्सपीरियंस बन गया, और आपका जो रैंक होगा ना वो आगे आगे इंक्रीज होते जाएगा, जितना इंक्रीज होके जाओगे आप लाइफ में भाई ट्रेनिंग से बाद, ट्रेनिंग पे एक्चुअली जो लाइफ स्टार्ट होता है मर्चेंट नेवी का वो ट्रेनिंग के ही टाइम पे स्टार्ट होता है, तो ट्रेनिंग के बाद बहुत ही लंबा लाइफ है, आप बड़े बड़े शिप पे आराम से जाके जॉब कर सकते हैं, वो आपके पास हो जाएगा उतना। पर आज ट्रेनिंग आप वो डिमांड मत रखिएगा किसी के भी सामने कि भाई मेरे को इसी शिप चाहिए वरना मेरे को नहीं चाहिए, वैसा बिल्कुल भी आप मत रखिए, क्योंकि वैसा नहीं होगा तो यार देखो, पहली चीज़ तो होता है कि वैकेंसी अवेलेबल होता है तभी जाके आपको मिलता है, अगर वैकेंसी नहीं होगा तो आपको बैठा देंगे भाई एक साल, भाई आप जो बोल रहे हो उसी शिप पे वैकेंसी नहीं है, तब चलाओ एक साल तक वेट करो, जब होगा भाई तभी हम लोग देंगे, तो वैसा भी होता है। और कुछ फ्रॉड भी कर देते हैं, हाँ भाई ऑयल टैंकर, तो हाँ भाई ऑयल टैंकर मिल जाए, इतना पैसा दो भाई हो जाएगा, तो उस टाइप भी बच्चे मार के ले जाते हैं, एजेंट जो के होते हैं वो मार के ले जाए, तो वैसा मत करो, आराम से जहाँ पे वैकेंसी है उधर डालो अपना सीवी वगैरह, डालो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करो, जैसा भी सिप मिले आप चले जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते हैं बैठते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं ट्रेनिंग के बाद भी आके बैठते हैं, वो अलग फेज है, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद का फेज वो अलग फेज है, जो ट्रेनिंग का फेज है उधर आप डिमांड कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिंपली मैं बता रहा हूँ आज ट्रेनी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अगर एक अच्छा सा सीप मिल जाए या फिर एक अच्छे से कंपनी पे मिल जाए, या फिर कंपनी जो भी हो फ्लैग वगैरह अच्छा होगा, सैलरी वगैरह ठीक ठाक दे रहा होगा, तो आप चले जाओ, ये नहीं कि मेरे को अगर फ्लीट पे ही मिलना है, मेरे को अगर फ्लीट मैनेजमेंट पे करना है तो मैं ओनली फ्लीट पे ही करूँगा और कहीं पर नहीं करूँगा, तो वैसे बैठोगे, फ्लीट पे वैकेंसी होगा तो वो लोग देंगे ना, अगर नहीं होगा वो लोग क्यों देंगे तुम्हें, सिंपल सी बात है भाई, तुमको आज ट्रेनिंग जिधर भी मिल रहा है आराम से जाओ, बस थोड़ा बहुत चेक करना कि हाँ भाई सही जगह पे हम लोग पैसा लगा रहे कि नहीं लगा रहे, बस उतना चेक करना, उतना अगर सही है तो भाई जैसा सीप मिले मिनिमम यार 5,000 जीआरटी से ज़्यादा सीप मिलना चाहिए आज ट्रेनिंग, ठीक है,
तो वो एक वैल्यू वाला चीज़ है। और आप जितना पैसा पेमेंट, अगर आप पैसा पेमेंट करके जा रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा अच्छा कंपनीज है उधर पैसा वगैरह का कारोबार नहीं चलता, उधर आप एग्ज़ाम वगैरह करके जाएंगे। और अगर ऐसे मीडियम कैटेगरी कंपनी पे आप जाना चाहते हैं तो उधर पैसा वगैरह आप मैनेजमेंट, कोई भी शिप मैनेजमेंट, आप अच्छे से शिप मैनेजमेंट पकड़ लो, उधर पैसा पेमेंट करो और उनको बोलना, उनको रेफरेंस बस इतना देना, उनका चॉइस दे देना कि भाई हमको इतने से इतना जीआरटी के अंदर सीट चाहिए। ओनली जीआरटी का तुम बोल सकते हो कि भाई हमको इतने से इतने जीआरटी के अंदर सीट चाहिए, तो वो लोग तुमको अमाउंट बोल दें कि हाँ भाई इतने से इतना जीआरटी का है तो इतना चार्ज लगेगा, आप पहले इतना पेमेंट करो और बाकी काम होने के बाद और बाकी इतना पेमेंट करना, वैसा चीज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक ये जो डाउट था आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आपके पास कुछ पावर नहीं होता है, जो भी होता है वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं उनके हाथ में होता है, तो वो जो भी दे रहे हैं बस सिर्फ 5,000 जीएटी से ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वो यार अच्छा होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो 5,000 जीएटी से ज़्यादा हो थोड़ा सा, तो उधर आप प्रेफरेंस, जीआरटी का प्रेफरेंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन भी उनको दे सकते हो। पर यार मेरे को यार इसी कंपनी पे चाहिए, इसी कंपनी पे नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इसी सीट पे चाहिए, इसी मैनेजमेंट पे चाहिए, मैनेजमेंट पे नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इतना सैलरी चाहिए, इतना सैलरी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को उधर ही सेलिंग करने जाना है, उधर अगर सेलिंग नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो भाई वैसा चॉइस मत रखना, क्योंकि आज ए ट्रेनिंग आपके पास कोई ना ही कोई हक है ना ही कोई पावर है कि आप ये डिसाइड कर सको। सिंपल सी बात है, आज ए ट्रेनिंग आपके पास कोई भी, मैं पहले ये मैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बता रहा हूँ, आज ए ट्रेनिंग आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका सी सर्विस, आपको सी एक्सपीरियंस जो भी हो लेना है, क्योंकि आप तभी आपका सी एक्सपीरियंस जीरो होता है। अगर आपको एक सी एक्सपीरियंस मिल जाता है तभी आपका सब कुछ पे इंक्रीज होता है, लाइक आपका पोस्ट पे इंक्रीज होता है, आपका नॉलेज पे इंक्रीज होता है, सब कुछ इंक्रीज होता है। तो वो चीज़ पहला प्रेफरेंस दो कि आपको ट्रेनिंग करना चाहिए, आपको सी एक्सपीरियंस एक लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको जिस टाइप का सिप मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप जाओ आराम से जाओ, ठीक है, आराम से जाकर आओ, बस बात खत्म। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाई लो प्लीज़।